इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने मुतहदा अरब अमारात के साथ फ़लस्तीनी इलाके से मुतालिक मुआहदे के बाद UAE के न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ अरेबिया को खसूसी इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने इन वजूहात का जिक्र किया जिसकी वजह से ये मुआहदा मुमकिन हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस मुआहदे से इसराइली मईशत को भी फ़ायदा होगा। इससे कबल पीर को वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल मुतहदा अरब अमारात और तिल अबैब के दरमियान बराह रास्त हवाई परवाज शुरू करने के लिए भी काम कर रहा है जो सऊदी अरब की फिजाई हदूद से गुजरेगी। नेतन्याहू बिन गोरान हवाई अड्डे पर वजीर ट्रांसपोर्ट मैरी रेगो के साथ पहुंचे और उन्होंने इस मुआहदे के मुमकिन फायदे पर भी तबादला ख्याल किया। ये इसराइली हवाबाजी की सनत और इसराइली मईशत को बदल कर रख देगा क्योंकि दोनों फ्रीकों को सियाहत और ज़बरदस्त सरमायाकारी का मौका मिलेगा। गुज़श्ता दिनों इसराइल और मुतहदा अरब अमारात के मबैन एक खसूसी मुआहदा हुआ है जिसके तहत इसराइल ने मकबूजा गरब उर्दन के कुछ हिस्से को इसराइल में जम करने के अमल को फौरी तौर पर रोक दिया है। स्काई न्यूज़ अरेबिया के दिए गए इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ख्याल जाहिर किया है कि दूसरे अरब ममालिक भी इस मुआहदे की तरफ बढ़ेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप हुकूमत ने इनसे कहा है कि वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत अमन का फ़रोग है और कहा गया है कि गरब अर्दन में जारी काम को रोका जाए। उन्होंने कहा कि ये अमरीकी दरख्वास्त थी कि इसराइली कानून को कुछ अरसे के लिए नाफिज करना रोक दिया जाए और हम इसी पर राजी हुए। अमरीकियों ने हमें बताया है कि वो अमन के माहौल को फैलाना चाहते हैं और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी तरजीह है कि अमन को आगे बढ़ाया जाए। नेतन्याहू ने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान अंग्रेजी में बात की लेकिन इनकी गुफ्तगू को अरबी में भी डब करके दिखाया गया। नेतन्याहू का कहना है कि इस मुआहदे से दोनों ममालिक को बहुत फ़ायदा होगा और इसराइल मुतहदा अरब अमारात के फ्री जोन इलाकों से दरामद करने का भी मंसूबा बना रहा है। मुतहदा अरब अमारात में फ्री जोन वो इलाके हैं जहां गैर मुल्की कंपनियां आसान कवायद के साथ काम कर सकती हैं और जहाँ गैर मुल्की सरमायाकारों को कंपनियों के मुकम्मल मालिकाना हक लेने की इजाज़त है। नेतन्याहू ने मुतहदा अरब अमारात को जमहूरियत करार दिया जबकि फ्रीडम हाउस के मुताबिक मुतहदा अरब अमारात जमहूरियत के लिहाज से दुनिया के सबसे कम आज़ाद ममालिक में से एक है। इसी के साथ ही पीर को अम्मान के वजीर खारजा यूसुफ बिन अलवी ने अपने इसराइली हमनसब गिब्बी इश्किनाजी से फ़ोन पर गुफ्तगू की। ये पहला मौका है जब दोनों सफारतकारों के माबैन इस तरह की गुफ्तगू हुई। माहरीन के मुताबिक मुतहदा अरब अमारात के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर इत्तफाक करने वाले पहले चंद ममालिक में अमान शामिल हो सकता है। अमान ने जुमे के रोज़ कहा कि इसने इसराइल और हमसाया मुल्क मुतहदा अरब अमारात के मबैन ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे की हमायत की है। ब्राइट स्टार टीवी पाकिस्तान।